कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और शिक्षक थे। चीनवासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने में महात्मा कन्फ्यूशियस का अद्भुत योगदान रहा है। उनके सामाजिक, दार्शनिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। ये ही आगे चलकर चीन साम्राज्य का आधिकारिक दर्शन बना, जो 551 से 479 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। नैतिकता, अच्छे व्यवहार और नैतिक चरित्र पर उनके विचार उनके शिष्यों द्वारा कई पुस्तकों में लिखे गए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण लुन्यू था। कन्फ्यूशियस के अनमोल विचार। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वह एक मिनट के लिए मूर्ख है। जो नहीं पूछता, वह जीवन भर के लिए मूर्ख है। दूसरों की बुराई पर हमला के बजाय अपने भीतर की बुराई पर हमला करें। जीतने की इच्छा, सफल होने की इच्छा, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की ललक, ये वे कुंजियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार को खोल देंगी। जो दो खरगोशों का पीछा करता है, वह किसी को नहीं पकड़ सकता। सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है, और ऐसी तैयारी के बिना असफलता निश्चित है। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने शब्दों में धीमा और अपने आचरण में गंभीर होता है। अभ्यास के बिना ज्ञान बेकार है, ज्ञान के बिना अभ्यास खतरनाक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर के बारे में विचार नहीं करता है, तो वह निकट ही दुख को प्राप्त करेगा। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज्यादा होता है। सेक्स की कोई सही मात्रा नहीं है, और लंबे समय तक सेक्स को छोड़ने से नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए। जब हम अपने से विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति को देखें, तब हमें अपने अंदर झांककर उसकी धारणा पर विचार करना चाहिए।